एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वी कैन डू एनीथिंग। मैं मोहम्मद उमर आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक और जबरदस्त रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मजेदार और बहुत ही आसान मैंगो चीज केक। अगर हम मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिल सकें। तो चलिए देखते हैं कैसे मैंने बनाया है मैंगो चीज केक। मैंगो चीज़ केक बनाने के लिए हमने 3 फ्लेवर की बिस्किट ले लिए हैं, आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं। वनीला एसेंस किया है 2 से 3 कतरे हम ऐड करेंगे। शुगर ले ली है 1/2 कप, इसको हमने ग्राइंड करके आइसिंग शुगर बना लिया है। 1 टीस्पून हमने लिया है जेलेटिन पाउडर। 1/2 कप हमने ली है क्रीम चीज़, ये मैंने खुद बनाई है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, अगर आप वहाँ पर आप देख सकते हैं। मेल्टेड बटर हमने लिया है 5 से 6 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे। 1 पैकेट हमने क्रीम ली है। 3 बड़े आमों का हमने पल्प निकाल लिया है और गर्म पानी लिया। तो सबसे पहले हम बिस्किट का पाउडर बना लेते हैं। क्रीम जो होगी इसकी हम इसको क्रीम में ही ऐड कर देते हैं। अभी हम इनका पाउडर बना लेते हैं। ये देखिए बिस्किट्स को हमने ज़्यादा बारीक पाउडर में नहीं किया, जिसको हमने थोड़े थोड़े चंक्स रखे हैं बिस्किट्स के। तो अभी हम इसके अंदर सबसे पहले हम जेलेटिन के अंदर गर्म पानी डाल के इसको रखते हैं। बिस्किट्स की लेयर लगाने के लिए इसको रेड कर देते हैं। इसमें मेल्टेड बटर ऐड करेंगे। ये बिल्कुल रेडी है, हमारा पैन ये बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसके अंदर बिस्किट की लेयर लगाते हैं। अभी हम इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। अभी हम मैंगो फिलिंग रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्रीम चीज ऐड करेंगे और इसे अच्छा सा बीट कर लेंगे। अभी हम इसमें क्रीम भी ऐड कर लेते हैं। फ्लफी होने तक हम इसको बीट करेंगे। अभी इसमें हम आइसिंग शुगर भी ऐड कर देते हैं। अभी इसमें हम वनीला एसेंस भी ऐड कर देंगे। इसमें मैंगो पल्प भी ऐड कर लेंगे। 1/2 हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें जेलेटिन भी ऐड कर देते हैं।
हाफ जेलेटिन जो है हम इस वाले बैटर में मिक्स कर देंगे और हाफ जो है मैंगो पल्प में मिक्स कर देंगे। बैटर हमारा बड़ा अच्छा सा बीट भी हो चुका है और बहुत स्टफी हो गया। अभी हम पैन के अंदर इसको पैन के अंदर इसकी लेयर लगा देते हैं। आप इसको फ्रीजर में सेट होने के लिए आधे घंटे के लिए रखें, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर मैंगो की लेयर लगाएंगे। आधा घंटा हो गया, बैटर सेट हो गया और जो मैंने मैंगो के पल्प में जेलेटिन डाला था उसको मैंने बीट कर लिया था। अब एक बार फिर से मैं इसको विस्क कर लेता हूँ। अभी हम मैंगो के पल्प की लेयर लगा लेते हैं। ये भी हमारी थर्ड लेयर लग रही है। बिल्कुल इवनली हर जगह पे ये हो गया। अभी हम इसको 5 घंटे के लिए फ्रीजर में रखेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। 5 घंटे हो गए इसको रेफ्रिजरेटर में रखे हुए। अब ये बहुत अच्छा सा सेट हो चुका है हमारी तीनों लेयर्स। अभी हम इसको निकाल लेते हैं। बहुत ही जबरदस्त बहुत ही जबरदस्त है हमारा मैंगो चीज केक रेडी है। ये थी आपकी रेसिपी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपसे ट्राई करें, हमसे कमेंट करके बताएं कैसी बनी है। अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। हम जब भी गाँव में याद रखें। फिर हम एक और जबरदस्त वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।